नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपने बात करेंगे श्री दत्तात्रेय सूत्र विधि से द्विघात समीकरण को हल करने के बारे में, कि अपने जो द्विघात समीकरण होती है उसको अपने श्रीधराचार्य सूत्र विधि से कर हल कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। एक नंबर तो ये कि जो श्रीधराचार्य के लिए जो द्विघात समीकरण होती है उसका सामान्य स्वरूप क्या होता है, जिसे अपनी तुलना करके मान निकालते हैं। एक नंबर होगी सामान्य स्वरूप और दो नंबर होगी श्रीधराचार्य विधि का फार्मूला। तो देखिए, इसका जो सामान्य रूप होता है वो आप देख सकते हो। इसका जो सामान्य रूप होता है वो दोस्तों आप देख लीजिए क्या होता है, श्रीधराचार्य विधि का क्या सामान्य स्वरूप। सामान्य स्वरूप ये किसका दोस्तों, द्विघात समीकरण का, क्योंकि श्रीधराचार्य जो विधि है वो द्विघात समीकरण पर अप्लाई होती है। इसलिए अपने को द्विघात समीकरण का जो सामान्य स्वरूप है उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो ये आप देखिए, सामान्य स्वरूप देख क्या होता है, इसका सामान्य स्वरूप होता है एक स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। दोस्तों ये होता है श्रीधराचार्य दो दोस्तों द्विघात समीकरण होती है उसका सामान्य स्वरूप। ये तो हो गया सामान्य स्वरूप। अब क्या होता है कि इसके अंदर अब यहाँ से अपने को क्या पता चलता है, सामान्य स्वरूप से अपने को ये पता चलता है कि जो द्विघात समीकरण होती है उसकी उच्चतम जो घात होती है वो कितनी है दोस्तों, दो है। दो है, इसका मतलब ये हुआ जो एक्स के मान निकलेंगे वो दो निकलेंगे। एक्स के मान कितने निकलेंगे, दो निकलेंगे। अगर त्रिघात होती किसी समीकरण में, तीन घात है, उत्तम घात तीन है, तो उस समीकरण का जो एक्स के जो हल होते हैं वो दो, तो वो सॉरी तीन निकलेंगे। तो यहाँ पे देखो, एक्स की उत्तम घात दो है, तो इसका मान जो एक्स का जो मान है एक्स के हल कितने हो दोस्तों, दो होंगे। यहाँ से ये बात अपने स्पष्ट होगी। इसके बाद आता है कि श्रीधराचार्य जो सूत्र विधि उसका फार्मूला क्या होता है, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि उसका फार्मूला क्या होता है। एक बार फिर से मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो उसके लिए क्या आता है, इसका सूत्र, किसका सूत्र, धराचार्य विधि का। अब जो इसका फार्मूला आता है, अब इससे अपने वो लिखेंगे श्री धराचार्य सूत्र विधि का, तो वो सूत्र होता क्या है वो देखिए, वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac एंड रूट बटा में 2a। दोस्तों ये होता है श्री धराचार्य सूत्र विधि का जो सूत्र होता है वो ये होता है। अब अपने क्या है, क्या करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि इस सूत्र का उपयोग करके अपने किस प्रकार से है जो एक्स के मान है हल, अपने एक्स के मान है या हल उसको प्राप्त करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने क्या है, अपने को इक्वेशन दिया गया है 2x² - 7x + 3 = 0। इसको अपने को हल करना है इस विधि से। तो इसलिए आप देखिए, इस विधि में हल करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले अपने क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो सामान्य स्वरूप है द्विघात समीकरण का क्या करेंगे, ये समीकरण दी हुई अपने अपने को, ये समीकरण दी हुई है, इसको अपने इस विधि से हल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण की द्विघात समीकरण के सामान्य स्वरूप से तुलना करेंगे। देखिए हम क्या लिखते हैं, समीकरण की द्विघात समीकरण के सामान्य स्वरूप से तुलना करने पर। सबसे पहले अपने इस समीकरण की द्विघात समीकरण का सामान्य स्वरूप होता है, इससे अपने कंपेयर करेंगे। कंपेयर इसलिए करेंगे क्योंकि अपने को ए बी सी के मान प्राप्त हो जाए। तो देखिए, तो अपने इस समीकरण को इससे कंपेयर करेंगे, तो देखो
एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है, ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है, दो। तो यहाँ से क्या निकलेगा वो अपने मान आप देख लीजिए, यहाँ से ए का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, दो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है, ए है, और ऊपर एक्स स्क्वायर का गुणा दो है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों एक्स का गुणा क्या है, बी है, और ऊपर एक्स का गुणा क्या है, -7। क्या है -7, यहाँ पे क्या है, बी, तो बी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, -7। फिर दोस्तों सी देखो, यहाँ पे सी यानी सी के गुणा में एक्स नहीं है, ऊपर देखो किसके गुणा में एक्स नहीं है, तीन के गुणा में एक्स नहीं है, यानी जिसके गुणा में एक्स नहीं है वो क्या है, सी है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तीन हो जाएगा। ये अपने तुलना द्विगत समीकरण के सामान्य स्वरूप से कंपेयर करके, तो अपने जो समीकरण दी हुई थी उसको अपने पास ए बी सी के मान आ गए। अब अपने क्या करें, सिंपल, ये जो ए बी सी के मान आए उसको अपने श्री धराधर विधि के जो उसका जो सूत्र है उसके अंदर रख देंगे और उसको हल कर लेंगे से अपने एक्स के जो मान है दो प्राप्त हो जाएंगे। वो देखें अपने किस पर करते हैं, अपने क्या करेंगे, एक्स के जो मान है अपने, सॉरी, ए बी सी के मान इस सूत्र विधि के अंदर रख देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा वो आप देखिए, एक्स इजिकल टू माइनस बी, बी का मान क्या दोस्तों, -7, माइनस -7 प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर यानी -7 की स्क्वेयर -4, ए का मान के 2 गुणा 2, सी का मान के गुणा 3, बटा के अंदर क्या हो जाएगा, 2 गुणा ए, 2 का मान के दोस्तों 2, ये इस प्रकार से अपने इसके ए बी सी के मान रख दिए ये समीकरण। अब अपने इसको हल कर लेंगे, तो देखो इसको हल करेंगे तो देखो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि अपने पास क्या बनेगा, तो यहाँ से आप देखो एक्स इजिकल टू माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, प्लस, माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है, आपको पता ही है कि माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, 7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 की स्क्वेयर, 7 की स्क्वेयर तो होती है दोस्तों 49, और माइनस की स्क्वेयर इसका मतलब क्या होता है, माइनस गुणा माइनस, ये क्या होता है, प्लस, यानी क्या हो गया, प्लस के 49 आ गया, ये हो गया प्लस के 49, माइनस 4 को 2 से करेंगे क्या आएगा, 8, 8 को 3 से करेंगे क्या आएगा, 24, 24 बटा के अंदर 2 को 2 से करेंगे क्या आएगा, 4, इसको हल कर लेंगे क्या आएगा, एक्स बराबर 7 प्लस माइनस 49 में से 24 से गए तो बस कितने बचते हैं, 25 बचते हैं, 25 बटा में 4 आ गए, एक्स बराबर 7 प्लस माइनस। अब देखो 25 अंडर रूट, इसका अपने क्या करेंगे दोस्तों, अंडर रूट के अंदर 25 है तो इसको अपने किस लिख सकते हैं, देखो 25 अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5, और यहाँ से 5 है, 5 दो लोड़े बन गए, इसका अंडर रूट से 5 को अपने बाहर निकाल सकते हैं, ये आपको पता ही है। तो देखो अपने इसको किस प्रकार से अपने इसको हल करते हैं, उसके बाद में क्या बन गया, यहाँ पे ये आ गया 7 प्लस माइनस 4, ये अपने पास बन गया। अब देखो अपने क्या करते हैं, सिंपल सब अपने क्या करना है, देखो अब ये आ गया, अब एक बार अपने लेना है पॉजिटिव साइन और एक बार लेना है नेगेटिव साइन। सबसे पहले देखो पॉजिटिव चिन्ह लेने पर यहाँ से आप क्या करो, एक्स बराबर 7 प्लस 5 बटा में 4,
बराबर 7 और 5 कितने हो गए दोस्तों, 7 5 हो गए 12/4, 12/4 हो गए। और यहाँ से मान क्या आएगा, कट गया 3 बार, तो एक्स बराबर क्या आ गया 3। अपने पास एक तो एक्स का मान क्या आ गया दोस्तों, 3 आ गया। और एक बार अब क्या करो, साइन ले लो नेगेटिव का, पर क्या आ गया 7 - 5 = 4, 7 - 5/4। तो यहाँ से क्या हुआ, इस पर क्या हुआ 2/4, यहाँ से एक्स पर क्या आ गया 2/4 आ गया। फिर इसको हल करेंगे तो क्या आ गया कि 2 से कट गया, 1 से कट गया, एक बटा दो। इसका मतलब ये हो तो एक्स है उसके कितने मान आ गए, 2 मान आ गए। यही मैंने आपको बताया था, एक्स के कितने मान आएंगे, एक्स के आएंगे 2 मान आएंगे। फिर देखो एक्स के कितने मान आ गए, एक तो आ गया 3 और एक आ गया 1/2। यही मैंने आपको बताया क्योंकि द्विघात समीकरण है, उत्तम घात 2 है तो उसके एक्स के मान क्या आएंगे, 2। अब आप क्या करो, ये तो एक्स के मान आए, इसको आप इस समीकरण के अंदर रख के हल करोगे तो अपने पास बराबर के 0 ही आएगा। इस प्रकार से अपने क्या है कि द्विघाती सूत्र विधि से देख सकते हो, जो श्री धरातल सूत्र विधि है उससे अपने किस प्रकार से कंपेयर करके अपने हल कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया। सबसे पहले समीकरण डी होती है, द्विघाती से तुलना करना है जिससे अपने ABC के मान आ जाएंगे। इसके बाद अपने क्या लगाना है दोस्तों, ये जो धरातल सूत्र है उसके अंदर ABC के जो मान है उसको पुट करके हल कर लेना है। एक का साइन पॉजिटिव लेना है और एक का नेगेटिव लेना है। इस प्रकार से अपने क्या है कि एक्स के मान निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो सूत्र विधि समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक बार फिर अगली वाली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।